गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर, चैप्टर 12, दैट इज ऑल अबाउट फ्रिक्शंस एंड वी हैव कंप्लीटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन, हाउ डज इट प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे अप्लाई करता है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था. एंड रदर देन वी हैव कंप्लीटेड द स्टेटिंग एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑल्सो. स्टेटिंग एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टेटिक का मीनिंग होता है वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, और उस कंडीशन में जो उनके ऊपर अर्थ सरफेस या जो लोअर सरफेस है उसका जो भी फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स स्टेटिक फ्रिक्शन. और वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज, जब अगर मान लीजिए हम लोग उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन उसके ऊपर लग रहा है वो उसको, जो हमारा फोर्स लग रहा है उसको अगर बैलेंस करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, और वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ, अपनी तरफ खींच रहा हूँ और अपनी तरफ खींच रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय द लोअर सरफेस इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन. व्हाट डू मीन बाय द रोलिंग फ्रिक्शन, नेम स्पष्ट है इसका. रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर्स. ये कब लग रहा है, वेन एवर द ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर. इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं व्हील की बात करूं, तो व्हील जो है, इस व्हील की जो सरफेस है वो कंटिन्यू क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये क्या करता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर रोल करता है. तो रोल कर रहा है उस कंडीशन में जो अर्थ सरफेस है विच अपोजेस द मोशन ऑफ द व्हील विच रजिस्ट द मोशन. इसकी मोशन को क्या करता है, ये जो अर्थ सरफेस है वो रजिस्ट करती है बाय अप्लाइंग द फ्रिक्शनल फोर्स. दैट्स व्हाई वी कैन सी आवर सोल्स ऑफ द शूज विल फ्लैट. क्या हो जाते हैं, कुछ दिनों में घिस जाते हैं जूते, या फिर हम लोग देखते हैं कुछ दिनों में गाड़ी के जो टायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, घिस जाते हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो है, क्या क्या बोलते हैं इसको, कि जो फ्रिक्शन है that always arises whenever any object is touching the lower surface, किसी object की surface को touch करता है और उसके ऊपर move करने की कोशिश करता है, तो उस condition में जो source, जो आपके friction generate होता है, there is a rolling type of friction. ये rolling friction था. For this क्या कर सकते हैं हम लोग, advantages क्या है, देखो advantages क्या है rolling करने के, advantages हम लोग देखते हैं कि गाड़ी fan के अंदर या vehicle के अंदर जो व्हील का एक्सिस है, उस एक्सिस के चारों तरफ क्या होता है, इस एक्सिस के अंदर क्या होता है कि बैरिंग लगा होता है, उस बैरिंग को एक एक्सिस मानकर क्या होता है, पूरा व्हील क्या करता है, मूव करता है. तो इसका एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या यूजेस है किसके, फ्रिक्शन के क्या क्या यूजेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट हेल्प्स अस टू ग्रिप द ग्राउंड विद द वन फिट एंड पुट द अदर फिट फॉरवर्ड. क्या बोला उन्होंने कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो मुझे अर्थ के ऊपर चलने लायक बना रहा है, चलने में हेल्प करता है. ड्यू टू दिस आवर वन लेग इज कमिंग गोइंग फॉरवर्ड एंड वन इज बैकवर्ड. अगर ये कंटिन्यू चलता रहे, हम लोग, हमारे ऊपर स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं लगे या रोलिंग फ्रिक्शन नहीं लगे या स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगे, तो वी कैन नॉट मूव. उस कंडीशन में हमारे का, हम लोग मूविंग में है ना, मूविंग में है, अगर मान लीजिए नहीं हो ऐसा फ्रिक्शन नहीं लगे, तो वी कैन स्लाइड ऑफ, हम लोग क्या कर देंगे, फिसल जाएंगे. उसके अंदर क्या है, दिस इनेबल अस टू वॉक. अनेबल करता है किसके लिए, वॉक करने के लिए, घूमने के लिए या चलने के लिए. द फ्रिक्शन बिटवीन द पेन एंड पेपर, पेन और पेपर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से दैट इनेबल अस टू राइट. वो क्या करता है, मुझे राइट करने लायक बना रहा है. अ नेल कैन बी हमर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड. नेल कैन बी हमर्ड, नेल कैन बी हमर्ड मतलब ठोका जा सकता है. वी आर एबल टू कट द थिंग्स ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट, सर्फेस इन कॉन्टेक्ट. हम लोग किसी भी चीज को काट सकते हैं, क्यों काट, कब काट सकते हैं, जब कोई भी सर्फेस है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही है. ब्रेक ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण ही गाड़ी के ब्रेक काम करते हैं और उसकी वजह से ही क्या होता है, हम लोग फिसलने से बचते हैं, गिरने से बचते हैं. आई बात समझ में. तो यहाँ पर क्या है कि हमारे लिए यूजफुल है, तो वॉट वी हैव टू डू टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड वॉट वी हैव टू डू टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. क्या कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर फ्रिक्शन कम लगना चाहिए, कुछ कंडीशन ऐसी है जिनमें फ्रिक्शन
ज्यादा लगना चाहिए, तो फॉर वॉट, फॉर दैट वी हैव टू डू समथिंग, क्या करना चाहिए, देखो क्या है, इंक्रीज द फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे हमको क्या करना है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल्स के अंदर ब्रेक शू का अप्लाई कर, ब्रेक शू लगवाएंगे, गाड़ियों में ब्रेक शू होता है ना, दैट जो गाड़ियों में ब्रेक को बिल्कुल क्या करता है, हार्ड बनाता है, या ब्रेक को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, ताकि हल्का सा ब्रेक लगाते ही गाड़ी रुक जाए, तो यूज ऑफ ब्रेक शूज। देन द सोल्स इन आवर शूज आर ग्रूव्ड, ग्रूव्ड का मतलब तो उसके ऊपर पीछे सोल के शूज, जो जूते के सोल्स हैं उनके ऊपर डिजाइन बनी होती है, ड्यू टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, दिस गिव द शूज टू बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड। उसके बाद में आपके क्या है, इन टार्स टायर्स, टायर्स जो है ना गाड़ी के जो टायर्स वगैरह वो ट्रीटेड होते हैं, ट्रीटेड का मतलब क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, होल्स या डिजाइन उनके ऊपर भी बनी होती है, टू मेक द बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस है कि अगर मान लीजिए फ्रिक्शन कम लग रहा है तो वी कैन स्लाइड, क्या बोल रहा है वो, इट अपोजिस द मोशन, क्या बोल रहा है वो, इट अपोजिस द मोशन, क्या करता है ये, मोशन को अपोज कर सकता है, ये मोशन को क्या कर सकता है, रोक सकता है। देन फ्रिक्शन रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर, फटने में, कटने फटने ऑब्जेक्ट्स सच एज टायर्स ऑफ व्हील्स व्हीकल्स सोल्स ऑफ शूज एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स वियर आउट विद टाइम ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इस कंडीशन में क्या होता है, टायर के ऊपर कंटिन्यू अगर फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि वो चलता है रोड के ऊपर, तो रोड उसके ऊपर क्या लगा रही है, फ्रिक्शन लगा रही है, दैट्स वाई इट कैन टीयर, इट कैन वियर, मतलब वो फट सकता है, टूट फूट सकता है। फ्रिक्शन कॉजेज द हीट, जब गाड़ी रोड के ऊपर चलकर आती है बहुत दूर तक, तो द टायर्स बिकम्स हॉट, टायर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। ये सारे जो है, ये सारे आपकी एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड चैप्टर था। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल कम विद द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस इज फ्रिक्शन एंड द देयर एक्सरसाइजेस आल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।